जानकारी के मुताबिक कोई भी जिम्मेदार इस चौराहे पर लाइट लगाने की सुध नहीं ले रहा है, जबकि इस चौराहे पर हजारों वाहनों का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इसको लेकर प्राइम टीवी ने अंधेरे में डूबे इस चौराहे का जायजा लिया। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, लेकिन जरा संभल कर। आज हम जिस चौराहे पे खड़े हैं उसका नाम है टेढ़ी पुलिया चौराहा। ये दो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक गुड़म्बा थाना क्षेत्र और दूसरा विकास नगर थाना क्षेत्र। ये रिंग रोड कहलाता है और रिंग रोड पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इतना व्यस्त चौराहा है, और व्यस्त चौराहा होने के बावजूद भी इस चौराहे पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर पे जो लाइट लगी हुई है वो लाइट भी कई महीनों से बंद पड़ी है। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि फ्लाईओवर के ऊपर जो लाइट लगाई गई है उसको भी दिखाने की कोशिश करें कि वो कितने दिन से बंद पड़ी हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर जो भी लाइट लगाई गई है वो काफी दिनों से बंद पड़ी है। नतीजा यहाँ पर सिफर है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे चौराहे पे किस तरीके से अंधेरे का माहौल बना हुआ है, जबकि यहाँ से हजारों लाखों लोग डेली गुजरते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर ना तो नगर निगम विभाग इसकी सुध ले रहा है और ना ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अगर बात की जा रही है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो सेतु निगम है ये जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उनसे बात किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं ये मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है, और मार्ग प्रकाश व्यवस्था व्यवस्थापक से या उनके जो अधिशासी अभियंता उनसे बात करने पर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था विद्युत विभाग की है। तो आप किसके पड़ने में ये व्यवस्थाएं रहेंगी। हालांकि लखनऊ स्मार्ट सिटी को मुंह चिढ़ाता हुआ ये टेढ़ी पुलिया चौराहा रिंग रोड का थाना विकास नगर और गुड़म्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरीके से अंधेरे का माहौल है, यहाँ पर ठंडक भी दस्तक दे चुका है, कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आखिर इस ऐसे मौके पर, ऐसे समय में जब एक चौराहे पे पूरी तरीके से अंधेरे का माहौल रहेगा तो किस तरीके से सावधानियां बरती जाएंगी, और किस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती है उस पर रोकथाम कैसे लगाई जाएगी। हालांकि अभी ना तो शासन और ना प्रशासन इस जगह के लिए सुध ले रहा है। प्राइम टीवी लगातार इस चीज को दिखाता आ रहा है, हर हफ्ते इस चौराहे के बारे में प्राइम टीवी दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अंधेरे का माहौल बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप चौराहे के चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधेरा है और एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगाई गई है। नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहे पे इतना व्यस्त चौराहा होने के बावजूद भी एक भी लाइट यहाँ पर नहीं लगाई गई है। बावजूद इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि किस तरह कैसे लखनऊ अब स्मार्ट सिटी बन पाएगा जब इतने व्यस्त चौराहे पर। हालांकि मंडलायुक्त ने भी इस बात को कह दिया था कि जहां जहां पर लाइटें नहीं होंगी, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, वहां पर लाइट लगाई जाएगी। फिलहाल यहां पे जो लाइटें लगी हुई हैं वो महीनों से बंद पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी आगे कि आखिर यहां पर लाइट जलती है, फिर से ये चौराहा जगमग होता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं इस चौराहे पे जिस तरीके से अंधेरे का माहौल है, ठंडक आने वाली है, कहीं ना कहीं भय का माहौल बनेगा और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी।